बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत मज़ेदार सी इंस्टेंट कॉफ़ी जो बहुत वायरल हो चुकी है काफ़ी दलगनों कॉफ़ी बनाना सिखा रही हूँ। ये आम ही काफ़ी होती है, आम जैसे काफ़ी बनाते हैं हम फेंट के, क्या कहते हैं कॉफ़ी को फेंट के हम बनाते हैं, उसी तरह ही होती है। बस स्टाइल ये है कि हम उसको गर्म भी पी सकते हैं और कोल्ड भी, कोल्ड कॉफ़ी, वैसे ही कोल्ड कॉफ़ी ही कहलाती है, कोल्ड कॉफ़ी इसको कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, 2 खाने के चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी, ये मैं नेस्ले वालों के लिए है, आप और जो आप कंपनी की पसंद हो तो आप वो ले लें। 2 खाने के चम्मच चीनी के और 2 खाने के चम्मच गर्म पानी के। आपके पास बीटर नहीं है बीट करने के लिए तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, हैंड बीटर में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इस बीटर से जल्दी 2 से 3 मिनट में जल्दी से बन जाते हैं। आप कोई प्लास्टिक की बोतल में भी आप ये सारा कुछ मिक्सचर डाल के, गर्म पानी और ये इंस्टेंट कॉफ़ी और चीनी डाल के शेक 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 करेंगी तो तब भी आपका उसी तरह ही रिज़ल्ट बन जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लफी बन जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बीटर है। इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। दो खाने के चम्मच चीनी के और 2 खाने के चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी। दो ही चम्मच इसके हम लेंगे गर्म पानी के। दो चम्मच इसको हम 2 मिनट पहले हम इसको बीट करेंगे, फिर 5 मिनट इसको बीट करेंगे। ये देखें अभी हमने 1 से 2 मिनट इसको हमने बीटर से 1 से 2 मिनट हमने इसको बीटर से इसको बीट किया है। अभी ये टप टप कर रहा है, अभी 2 मिनट और इसको हम बीटर से बीट करेंगे। खुशबू आ रही है, नज़र आने लग जाए ना ये लाइंस इस तरह की तो समझे आपके कॉफ़ी अच्छी तरह से बीट हो गई है। ये
ये टेक्सचर इस तरह के आपकी क्रीम अच्छी तरह से हो गई है सेट। देखें जिस तरह भी कर रही हूँ ये नहीं गिरता, देख सकते हैं ये कम से कम 2 से 5 मिनट के बीच बीच में ये अच्छी तरह से बीट हो गई है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे जी। फ्रेंड हमारे इंस्टेंट कॉफ़ी का बैटर हो गया तैयार, ये आप देख सकते हैं। अब इसको हम रखते हैं साइड पे। अब हमें कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए एक हमें कप दूध चाहिए। इसमें आप आपकी मर्ज़ी है, आपने चीनी डालनी है नहीं डालनी। मैं चीनी डाली क्योंकि मैं अम्मी के लिए बना रही हूँ। और थोड़ी सी आइस क्यूब्स चाहिए। पहले गिलास में दूध डाल लेंगे। फिर 2 से 3 आइस क्यूब्स डाल लेंगे। ये इंस्टेंट कॉफ़ी को ऊपर डेकोरेट कर देंगे, फोम कॉफ़ी को, या आप डेलगोना कॉफ़ी कह सकते हैं। ये मेरी मामा के लिए बन गई है विदाउट शुगर कोल्ड कॉफ़ी। अब मैं अपने लिए बनाऊंगी चीनी के साथ। इसके लिए मैंने एक खाने का चम्मच चीनी ली है और दूध। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चीनी को। चीनी मिक्स हो गई है, इसके अंदर मैं आइस क्यूब डालूंगी। अगर बर्फ़ के साथ ही आपने चीनी को मिक्स कर दिया तो वो चीनी हल नहीं होगी अच्छी तरह से। आपने इस चीनी डालूंगी इसके ऊपर। कम ज़्यादा आप कर सकती हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको जितना पसंद है। मुझे और मम्मी को उसमें काफ़ी बहुत पसंद है उसको, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। और बाकी ये जो आपकी बच गई है काफ़ी, इसको आप किसी कंटेनर में, शीशे के कंटेनर में या किसी में आप डाल के इसको रख दें और जब दिल चाहे आप कोल्ड कॉफ़ी पिए, इंजॉय कर। ये है शुगर फ्री और ये शुगर वाली। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काफ़ी कर दूंगी।
लीजिए फ्रेंड हमारी विदाउट शुगर और शुगर वाली डलगिना। लीजिए फ्रेंड हमारी दो तरह की कॉफ़ी हो गई है रेडी और देखिए कितनी मज़े की लग रही है, इतनी फ्लफी है कि वो ऊपर से ऊपर ही ठहरी हुई है, ऊपर ही ठहर रही है। आप इसके ऊपर मैंने मैं इंस्टेंट कॉफ़ी का स्प्रिंकल किया है, आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप या कोको पाउडर का भी स्प्रिंकल कर सकते हैं एज यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे। अब मैं मिक्स करके अपनी वाली मिक्स करके दिखाती हूँ, ये देखिए क्या मज़े, हल्का सा नीचे से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप मज़ेदार सी हमारी इंस्टेंट डलगिना कॉफ़ी तैयार है। आई होप यू लाइक माय वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।